उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन दे वल्लों रनिंग स्टाफ दी सुरक्षा नूं ध्यान दे विच रखदे होए एक मीटिंग दा आयोजन अज लुधियाणा शहर दे विच कीता गया। सुरक्षा नूं ध्यान दे विच रखदे होए रेलवे च होण वाले हादसे भावें उह किसे व्यक्ति दी गलती दे नाल होण जां फिर इस दे पिछे कोई तकनीकी कारण होए तां इन्हां सारे मुद्दियां नूं लै के चर्चा की गई ते भविख दे विच अजिहे हादसे ना होण इसनू भी सुनिश्चित करन दे लई गलबात जिहड़ी है कीती गई ते इस बाबत रनिंग कर्मचारी जिहड़े ने उन्हां नूं जागरूक भी कीता गया ते इस मीटिंग दे विच काफ़ी तादाद दे विच रनिंग कर्मचारियों दे नाल उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन दे महामंत्री बीसी शर्मा इस दे नाल ही सहायक महामंत्री दलजीत सिंह भी जेड़े ने इस मीटिंग दे विच मौजूद रहे तां होर उत्थे की कुछ गलबात हुई एक बार तुहानू भी जरूरी सुना दिंदे आं। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते भरोसा जीते हैं हम। जनशक्ति उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन वाइस प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के आज ये सेफ्टी सेमिनार रनिंग स्टाफ का यहाँ लुधियाना में रखा है, जिसका मेन एम है कि जो हमारे नागरिक यात्रा करते हैं उसको सुरक्षित कैसे पहुँचाना है, जो हमारा लोको पायलट ड्यूटी करता है उसके सामने क्या प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टी आती है, उसकी क्या रेमडी है, और जो रनिंग स्टाफ तमाम रन आए हुए हैं वो अपनी डिफ़िकल्टी उन्होंने एक्सप्लेन की है, कुछ अभी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में उसको फर्दर हाई लेवल पे जनरल मैनेजर लेवल पे डिवीजन लेवल पे उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रनिंग स्टाफ को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि एक स्पैड करते हैं जिसमें डेलमेंट हो जाती है और वो ओवरशूट हो जाते हैं, सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं, तो उनको बड़ी हैवी पनिशमेंट होती है, नौकरी से निकाल दिया जाता है या उसको रनिंग ड्यूटी से साथ में हटा दिया जाता है। तो उसको उससे जो बड़ी दिक्कत है उसके लिए इन्होंने जो हमारा साथी ड्यूटी पे जाता है एक ब्रेथलाइजर जो एनालिसिस करता है कि वेदर इसने ड्रिंक तो नहीं की हुई है, उसको रखा हुआ है हर लॉबी पे ऊपर। लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि वो भी बीए जो स्टैंडर्ड कंपनी के नहीं है और उसमें साथ में एक दूसरा बीओ रखा है, लेकिन वो एक ही से टेस्ट करके ये डिक्लेयर कर देते हैं, डॉक्टर को भेज देते हैं, उस रनिंग स्टाफ को पनिशमेंट हो जाती है। तो उसके लिए ये होना चाहिए कि दोनों रखे हैं तो कंपैरेटिवली उसको टेस्ट करना चाहिए, जिससे ये पता चले कि वो मशीन ख़राब तो नहीं है। कई लोगों ने होम्योपैथिक की मेडिसिन ली होती है जिसमें तो तकरीबन कफ सिर्फ लुआ था अल्कोहल होता है, उन लोगों को ड्यूटी करने के लिए अलाउ ही नहीं करना चाहिए ताकि स्पैड ना हो सके। इसके साथ साथ सिग्नल की प्रॉब्लम है, जो ड्राइवर सिग्नल को देख के ही गाड़ी आगे बढ़ाता है उसमें भी कई अनइवन एक्सीडेंट हो जाते हैं गियर के कारण, या सिग्नल ठीक से फंक्शन नहीं करता, या उसके अंदर कोई डिफेक्ट ऐसा केबल में आ जाता है कि मेन लाइन पे सिग्नल बना होता है वो लूप लाइन पे चले जाता है, जिससे एक्सीडेंट होते हैं। इन तमाम बातों को लेके आज लुधियाना में ये 450 लोग को रनिंग स्टाफ इकट्ठा हुआ है, वो डिस्कस करके उसका एक नोट बना के जनरल मैनेजर को देंगे और रेलवे बोर्ड में जो उस लेवल की बात होगी वहाँ पर करेंगे। प्रॉब्लम आती है कि ओवरशूट हो जाना जिसको एक्सीडेंट करते हैं, डेलमेंट हो जाना उसको भी एक्सीडेंट वो करते हैं, उससे नुकसान होता है। अगर डेलमेंट हो गई तो पैसेंजर जो होते हैं या गुड्स ट्रेन होती है उसके अंदर चाहे पैसेंजर बैठे हों गुड्स ट्रेन होती है उनको हर्ट होता है और कईयों की मौत भी हो जाती है, तो उनको अवॉइड करने के लिए ये सेफ्टी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हमारे साथी यार्ड में ड्यूटी करने जाते हैं उसके अंदर कई ऐसे बैड एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ भी मिसबिहेव करते हैं, जब तक ड्राइवर के माइंड जो है फ्रेश नहीं होगा उसको टेंशन रहेगी, उसको छुट्टी नहीं मिलती टेंशन रहेगी, घर में कोई परेशानी है
उसकी टेंशन रहेगी। मेंटल टेंशन जब तक दूर नहीं होगी तब तक वो आराम से सेफ्टी से ड्यूटी नहीं कर पाएगा। इन बातों को लेके जगह जगह हम सेमिनार कर रहे हैं।